ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 19 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थ यानी क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ यानी अपशिष्ट, अपशिष्ट तो बचे वाले को कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रेटरी का मतलब जो वेस्टफुल प्रोडक्ट है, जिसका यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसका निष्कासन का मतलब क्या होता है? शरीर से बाहर करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक्सक्रेशन का मतलब समझ गए कि जो वेस्टफुल प्रोडक्ट रहता है उसको शरीर से बाहर करना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे पदार्थ है कौन से जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस अपशिष्ट। तो अब हम देख लेते हैं ये जो पदार्थ है जिसको शरीर से बाहर करना, ये है कौन कौन से? अमोनिया है, यूरिया है, और क्या है? यूरिक अम्ल, ठीक है। इससे पहले कुछ ABCD दी गई है इधर, क्या बताया जा रहा है? ये सेल है, क्या दिया है इसमें? A+B = C, इति सिद्धम। हो गया फिजिक्स। और क्या दिया है? XXY = Z, ठीक है। यानी क्या बोला है कि देखो, दो प्रोडक्ट ए, और यहाँ बताने का क्या, ABCD नहीं पढ़ा रहे। A+B यानी कोई ए प्रोडक्ट है और कोई बी प्रोडक्ट है, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे और आपस में मिलेंगे और जब कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हो सकता है कि ये क्या हो? वेस्टफुल प्रोडक्ट हो। लेकिन हो सकता है कि कोई एक्स और कोई वाई ये रिएक्ट करे और आपस में मिलके जेड बनाए, तो हो सकता है कि ये यूज़फुल मटेरियल हो, यूज़फुल प्रोडक्ट हो। क्लियर है? मतलब हमारी सेल में ऐसा ही होता है, मतलब कुछ भी यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं होता है, ना ही कुछ भी वेस्टफुल प्रोडक्ट होता है। कुछ यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कुछ वेस्टफुल प्रोडक्ट बनता है और कुछ कैसा बनता है? यूज़फुल। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे वेस्टफुल प्रोडक्ट की बात करते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट और फॉस्फेट, ये कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं जिनको बॉडी से क्या करना होता है? हमें बाहर करना होता है। चलो आगे हम लोग देखें, तो अब देखते हैं ये तीन जो पदार्थ हैं जिनको शरीर से बाहर करना है, कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अमोनिया, क्या लिखा है? सर्वाधिक आविष है, आविष यानी कि टॉक्सिक यानी कि जहरीला, ठीक है। सबसे जहरीला कौन सा है? अमोनिया। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो इसके निष्कासन की बात करते हैं, तो अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है जब इसको शरीर से बाहर करना होता है, तो बहुत अधिक जो है जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे उत्सर्जन की, ये जो अमोनिया को बाहर करेंगे, उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होंगी उसको क्या कहेंगे? अमोनिया उत्सर्ग, यानी कि अमीनोटेलिज्म। क्या कहेंगे? अमीनोटेलिज्म, ये याद रखना। ये सरलता से घुलनशील होते हैं और शरीर की सतह या मछली के क्लोम या फिर गिल्स, मछली में क्या होते हैं? फेफड़े नहीं होते, या तो क्लोम होते हैं या तो उसी क्या कहते हैं? गिल्स। तो ये गिल्स के सतह पर जो है किसके द्वारा होंगे? विसरण के द्वारा। क्लियर है? विसरण पढ़ा है, डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब जिस भी बॉडी में हम लोग बात करते हैं, किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? बॉडी से बाहर हो जाएगा विसरण के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं, उत्सर्जन में वृक्क अहम भूमिका नहीं निभाते हैं। इसमें जो है वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है। तो इसमें किडनी उतनी इंपॉर्टेंसी भूमिका नहीं निभाती अमोनिया के उत्सर्जन में, क्योंकि इन प्राणियों में जो है अमोनिया उत्सर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं अमीनोटेलिक होता है, इन प्राणियों को हम लोग क्या कहेंगे? अमोनिया उत्सर्गी, या क्या कहेंगे इसको? अमोनोटेलिक या अमीनोटेलिक। कौन कौन आते हैं ऐसे प्राणी? तो यहाँ पे कुछ बॉनी फिश आती है, यानी अस्थिर मछलियाँ। बॉनी फिश का मतलब बॉनी फिश, पता है क्या? किंगडम, अच्छा नहीं पढ़ाना अभी, किंगडम में इसको बताऊंगा मैं डायग्राम। इसके बाद बात करते हैं इसमें उभयचर क्या होते हैं, और यहाँ पे उभयचर यानी जो जल में भी रहेंगे और
जमीन में, जमीन के अंदर, पृथ्वी पर, और इसमें आता है जेलीकेट। ठीक है, तो ये याद रखना, ये प्राणी कैसे होते हैं, ये प्राणी होते हैं, इनको कहते हैं अमोनिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं, या अम्यूनोटेलिक कहते हैं। और ये उत्सर्जन कैसे की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनिया उत्सर्ग। किसका उत्सर्जन करते हैं, ये अमोनिया का। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया की बात करते हैं तो ये अमोनिया की अपेक्षा कम विषैले होते हैं। ठीक है, अमोनिया की अपेक्षा कम विषैले होते हैं। यहाँ पे जो अमोनिया है कैसे इसको बाहर करते हैं, तो अमोनिया पहले जाता है यूरिया साइकिल में, और यूरिया साइकिल कहाँ चलता है, यकृत में। ठीक है, ये यूरिया साइकिल में जाएंगे और फिर ये जो है यूरिया में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो बॉडी में अमोनिया था वो किस में परिवर्तित होगा, यूरिया में। किस में देखने को मिलेगा, ये तो ये जो है स्तनधारी, हम भी आते हैं किस में, तो ये हमारे इसमें ऐसे ही होता है कि जो अमोनिया है वो किस में परिवर्तित होता है, यूरिया में। तो ये जो है स्तनधारी में, स्थली जो है उभयचर, स्थली उभयचर का मतलब जो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी है, और समुद्री मछलियाँ होती है समुद्र में रहती है। ठीक है, नहीं वैसे समुद्र में ही रहेंगे, लिखा हुआ है समुद्री मछलियाँ तो समुद्र में रहती है, और नहीं भी लिखा रहता है तो मछलियाँ वैसे भी जमीन पे नहीं रह सकती। तो ये जो है अमोनिया को किस में परिवर्तित करती है, यूरिया को। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल, या यूरियोटेलिज्म कहते हैं, या तो यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं यूरिया उत्सर्गी। ठीक है, कुछ प्राणियों के व्रकों की मैट्रिक्स में परासरण के लिए, ये बनाए रखने के लिए, सुबन मिनट, कुछ प्राणियों के व्रकों की मैट्रिक्स में परासरणता के बनाए रखने में यूरिया की बहुत मात्रा होती है। यह भी हम लोग देखेंगे डायग्राम में। देखो तो क्या होता है, व्रक यानी कि किडनी, किडनी के दो पार्ट होते हैं, उसमें से एक होता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स पार्ट होता है वहाँ पे परासरण को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है, ये याद रखना, आगे हम लोग देखेंगे। पूरी नहीं निकलती है इसके बाद, मतलब पूरा यूरिया बॉडी से नहीं निकलता है, उसको मेंटेन करने के लिए जो है कुछ यूरिया जो है उसी में रह जाता है। अब कहते हैं यूरिक अम्ल तो ये जो है बहुत कम टॉक्सिक होते हैं, बहुत कम जहरीले होते हैं। तो जल की मात्रा के साथ जो है ये गोलियां या पेस्ट के रूप में निष्कासित करते हैं, जो आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी पक्षियों, ये किस में देखने को मिलेंगी, पक्षियों में, सरीसृपम ये पक्षियों में, स्थली घोंघों में, और कीटों में। हाँ, घोंघा, घेंगा देखा है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बाबा गूगल करो, बाबा गूगल सब उगलेंगे। देखो तो यहाँ पे जल की मात्रा जो है कम होती है, तो ये जल की मात्रा कम के साथ में गोलियां या पेस्ट के रूप में निष्कासित करते हैं, इसको कहते हैं यूरिकोटेलिज्म, या इसको कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल। ठीक है, मतलब ये क्या है, यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म यानी कि इसके उत्सर्जन की, जैसे अमोनिया के उत्सर्जन की प्रोसेस क्या है, अमोनियोटेलिज्म। ठीक है, इसकी क्या है हम लोगों की यूरियोटेलिज्म, वैसे इसकी क्या है, यूरिकोटेलिज्म। और एनिमल को क्या कहेंगे इस हम लोग, यूरिकोटेलिक एनिमल। कौन कौन आता है, सरीसृप, पक्षी, स्थली घोंघे और कीट। ठीक है, तो ये जो है, जो पक्षी है ये जब पॉटी करते हैं, जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, किसके द्वारा निकालते हैं, पेस्ट के रूप में, गोलियों के रूप में। कभी गार्डन वार्डन गए हो, वहाँ पे मस्त आप मोटरसाइकिल पे कोई निब्बा निब्बी बैठे रहते हैं कुछ पेड़ के नीचे, तो कुछ कबूतर जो है थोड़ा सा पेस्ट छोड़ देते हैं, और जो ब्लैक शर्ट कैसी हो जाती है, वाइट, देखा है, अरे कभी देखा है, नहीं देखा है। या कई बार आप देखो गार्डन में जाके देखो, कुछ ज़मीन सफ़ेद ही सफ़ेद रहती है, आपको लगता है कि ये यहाँ पे सफ़ेद सोना है, सफ़ेद सोना नहीं है, वो ऊपर से सोना आया हुआ है। चलो समझ में आ गया, तो ये याद रखना, जो पक्षी वगैरह है कैसे वेस्ट ये प्रोडक्ट को निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को पेस्ट के रूप में या तो गोलियों के रूप में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो उत्सर्जी अंग के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो उत्सर्जी अंग के बारे में बात करते हैं, तो अधिकांश अकशेरुकियों की बात करते हैं, तो इसमें सरल जो है नलिकाकार संरचना होती है, और कशेरुकियों की बात करते हैं तो जटिल नलिकाकार, जिसको हम लोग व्रक कहते हैं। देखो क्या होता है, जो ये वेस्ट प्रोडक्ट जाता है किसके द्वारा, नली के द्वारा जाता है, तो यहाँ पे अकशेरुकी में सरल होती है,
और यहाँ पे कशेरुकियों में कैसी होती है, जटिल। जैसे हमारे इसमें अभी देखा था ना, पूरी नेफ्रॉन में पूरी वो नली नली बिखरी रहती है, तो बहुत कठिन होती है ये। कशेरुकी में हम लोग आते हैं, कशेरुकी का मतलब क्या होगा? अभी तो यही समझो कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वो, ठीक है, कशेरुक दंड जिसमें पाया जाता है, सुना है क्या? इसके बाद हम लोग बात करते हैं आदिवृक्क। आदिवृक्क का मतलब क्या है? ये प्राथमिक रूप से आयनों व द्रवों के आयतन के नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित है। आदिवृक्क तो ये, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं। और प्लेटिहेलमिंथिस की बात करते हैं तो इसमें चपटे कृमि जैसे कि प्लेनेरिया। इसके बाद रोटिफर, कुछ एनिलीड, सिफेलोकॉर्डेट्स जिसको एम्फीबी ऑक्सस भी कहते हैं, ये उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो एक क्या है आदिवृक्क, जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग, प्रोटो नेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं। अभी किंगडम पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आदिवृक्क या ज्वाला कोशिकाएं ये जो है उत्सर्जन का काम करती है। प्लेटिहेलमिंथिस की बात करते हैं, जैसे चपटे कृमि जैसे कि प्लेनेरिया और रोटिफर और कुछ एरेलीड और सिफेलोकॉर्डेट्स, इन सब में जो है किसके द्वारा उत्सर्जन होगा? आदिवृक्क के द्वारा, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग, ज्वाला कोशिकाएं। तो ये ज्वाला कोशिका या आदिवृक्क के द्वारा यहाँ पे जो परासरण का नियमन होगा वो किसमें किसमें होगा? प्लेटिहेलमिंथिस में, प्लेनेरिया, रोटिफर्स, कुछ एनिलिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, इन सब में जो है उत्सर्जी संरचना के रूप में ये क्या होता है, काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केचुए व अन्य एनिलिडा के बारे में बात करते हैं। तो इनके पास क्या होता है, नलिकाकार उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है, नहीं वृक्क तो यानी वो होगा अपना किडनी, नहीं किडनी की सेल जो आपकी होंगी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को कहते हैं वृक्क। इसके बाद बात करते हैं तिलचट्टो, जैसे कि कॉकरोच व अधिकांश कीटों की बात करके तो इसमें उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, मैल्पिगी नलिकाएं। क्लियर है, मैल्पिगी नलिका, इसमें ज्वाला कोशिकाएं, इसमें जो है वृक्क आ जाएगा और इसमें आ जाएंगी मैल्पिगी नलिकाएं। इसका झिंगा, झिंगा देखा है, खाया है झिंगा, क्या होता बताओ, कीड़ा है, मछली का है, वैसे उछलते हैं फटाफट 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 फटाफट। तो मछली क्या, मछली को झिंगा कहते हैं? नहीं, वो मछली की प्रजाति का रहता, पर वो अच्छा मछली की प्रजाति रहती है उसको झिंगा कहते हैं। सही में ऐसा रहता है, वो बहुत जल्दी जल्दी स्लिप होता है। नहीं, मेरे को तो बताया गया है, मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि मछली के बच्चों को झिंगा कहते हैं। नहीं, अच्छा दूसरी प्रजाति, वो छोटे छोटे रहते हैं। अच्छा तो उसको झिंगा कहते हैं, तो बचपन में खा जाते हैं उसको? नहीं। चलो तो झिंगा, तो प्रॉन, हालांकि ये झिंगा दूसरा है, ठीक है, झिंगा जिसको हम लोग प्रॉन कहते हैं, जैसे क्रस्टेशियाई प्राणी, ये क्रस्टेशियाई प्राणी होता है तो इसमें जो है श्रृंगिक ग्रंथिका होती है, एंटिल लैंड या इसको हम लोग कहते हैं हरित ग्रंथिया उत्सर्जन का, मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ है एंटीना, यहाँ पे वो प्रक्षित, ये अपने कीट देखें उसमें ऐसा रहता है, ये कीट और ऐसे एंटीना निकले रहते हैं। क्लियर है, तो ये जो एंटीना निकले रहते हैं इसको कहते हैं श्रृंगिक ग्रंथिया, ठीक है, यानी एंटीना कहते हैं इसको, एंटीना निकले रहते हैं तो वहीं से ये उत्सर्जन का काम करते हैं। कौन से प्राणी, इसको कहते हैं क्रस्टेशियाई प्राणी या क्या कहते हैं इसको, झिंगा। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, क्या क्या देखा कि देखो क्या क्या ये करेंगे, अमोनिया, यूरिया और किसका उत्सर्जन करेगा, ये यूरिका, हमने ये देखा कि किसके द्वारा करेगा, तो यूरिया की बात करते हैं सबसे ज़्यादा, ये क्या होता है जहरीला, फिर अमोनिया, यूरिया उससे कम और यूरिक अम्ल उससे कम, ठीक है, ये जो बाहर करेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अमोनिया उत्सर्जन यानी कि अमीनो टेलिज्म, ठीक है, यूरिया परिवर्तित करेंगे तो क्या कहेंगे, यूरियो टेलिज्म, यूरिक अम्ल बाहर करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, यूरिको टेलिज्म, ठीक है, इन प्राणियों को क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक, इनको क्या कहेंगे, यूरोटेलिक, इसको क्या कहेंगे, यूरिको टेलिक, ठीक है। यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है,
ठीक है, कहीं दिया हुआ है अत्यधिक जल, ठीक है, यहाँ ज़्यादा लगेंगी, यहाँ थोड़ी कम लगेंगी, क्यों, क्योंकि अमोनिया किस्म परिवर्तित हो जाता है यूरिया में, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम लोग यूरिन करते हैं, मूत्र विसर्जित करते हैं तो वाटर तो जाता है, वाटर का लॉस तो होता है, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है, आगे हम लोग बात करेंगे, जब तबीयत ख़राब होती है तो इंसान कम बाथरूम करने जाता है, या ठंड के दिन में कम जाता है, गर्मी के दिन में ज़्यादा जाता है, तो ये जो हमारी बॉडी है वो मौसम के अकॉर्डिंग और जो है हमारी बॉडी में मिनरल्स कितने हैं, जल कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग जल का लॉस होता है। और यहाँ पे यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो इनको वाटर कम, जैसे पक्षी की बात करते हैं, पक्षी को वैसे ही वाटर कम मिलता है, कभी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो इसलिए ये वेस्टफुल प्रोडक्ट जो है गोलियों के रूप में निकालते हैं या तो फिर जो है पेस्ट के रूप में, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट उत्सर्ज अंग की बात करते हैं, जैसे एक हम लोगों ने बात करी ज्वाला कोशिका, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितने एनिमल हैं ये करेंगे। केचवे एनिलिट्स की बात करते हैं तो इसमें जो है व्रकक होते हैं। कॉकरोच की बात करते हैं इसमें मेल्पी की नलिकाएं, और झिंगा या प्रियन की बात करें इसमें सुरंगी की नलिकाएं। क्लियर है यहाँ तक के? चलो तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलो तो एक लेते छोटा सा ब्रेक, इसके बाद करते कंटिन्यू।